दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं Redmi Note 5 का फेस अनलॉक के बारे में, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि मैं जो एक कोड का गिवअवे कर रहा था, दो एक लोगों ने कमेंट किया कि वो शायद फेक है। मैं बोला था कि वो फेक नहीं है, तो मैं उन दोनों का कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया जिन दोनों को एक कोड मिला है, तो वो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने जाएंगे कि फेस अनलॉक Redmi Note 5 Pro में कैसे कर सकते हैं, उसका मतलब कैसे आप सेट कर सकते हैं। बहुत लोग जानते ही नहीं है कि Redmi Note 5 Pro में भी फेस अनलॉक जैसा कुछ चीज़ है, तो आज आप लोग देख सकते हैं कि Redmi Note 5 Pro का फेस अनलॉक कैसे सेट किया जा सकता है, ये कैसा काम करता है डे लाइट में या फिर नाइट लाइट में, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। फ़ोन का जो फर्स्ट फ्लैश सेल हुआ था, उस फ्लैश सेल के बाद में से ही Redmi Note 5 Pro में फेस अनलॉक अवेलेबल है। तो दोस्तों आज देख लिया जाता है यह कैसे काम करता है, अच्छा है या बुरा, और कैसे इसका सेट कर लिया जा सकता है। Redmi Note 5 Pro में अगर आपको फेस अनलॉक चालू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फ़ोन के सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड। लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा ऐड फेस डेटा। ऐड फेस डेटा में क्लिक करने के बाद आपका कुछ भी पैटर्न शायद होगा, जो भी है पैटर्न डाल दीजिए। पैटर्न डालने के बाद आपको दिखाई देगा कुछ सिक्योरिटी इशू, जैसे वो लोग बोल रहे हैं कि फेस अनलॉक इज लेट सिक्योर देन पी। इसका मतलब क्या है, अगर आप फेस अनलॉक दे भी दे तो वो ज़्यादा कुछ सिक्योर नहीं है, आपका फ़ोटो से भी वो खुल सकता है, लेकिन हर वक्त खुलेगा ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन खुल भी सकता है, तो ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है। पिन कुछ ज़्यादा सिक्योर है फेस अनलॉक से, इससे ज़्यादा आपको लिखा हुआ है कि जब फेस अनलॉक सेट कर रहे तब फेस को किसी चीज़ से कवर मत कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा। फेस दिखाने के बाद आपको क्या दिखा रहा है, एडिट सक्सेसफुल। एडिट सक्सेसफुली के बाद अगर आप डन कर देंगे तो अनलॉक यूजिंग फेस डेटा ये ऑन रखना, अलाउ फेस अनलॉक ऑन स्क्रीन लाइट्स अप ये भी ऑन रखना। इसके बाद अगर आप बैक में चले जाए और स्क्रीन को लॉक कर दिए तो आप देख सकते हैं मेरे सब उंगली एकदम सामने है, तो स्क्रीन को अगर ऑन किए तो जब ये मेरा फेस डिटेक्ट कर रहा है ऑटोमेटिक खुल गया। ये अभी के लिए कुछ ज़्यादा फास्ट तो काम नहीं कर रहा क्योंकि ये अभी अभी दिया हुआ है, ऐसा करते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ये इम्प्रूव भी हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को ये डेमो दिखाया फेस अनलॉक का, तो ये लो लाइट में भी मैं टेस्ट करूँगा, फिर आप लोगों को देखें कि ये काम अच्छा करता है या फिर ठीक से नहीं होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं एक लो लाइट के अंदर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक ट्यूब लाइट चल रहा है, कुछ ज़्यादा लाइट नहीं है, तो अब यहाँ पर टेस्ट करते हैं ये फेस अनलॉक कैसा काम करता है। चलिए स्क्रीन को पहले लॉक कर देते हैं, अब स्क्रीन पे लाइट आने के बाद हम देखते हैं कैसे काम करता है, अच्छा ही काम कर रहा है अभी के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख लिए कि लो लाइट परफॉर्मेंस कैसा है फेस अनलॉक का। तो आप लोगों ने देखा Redmi Note 5 Pro का फेस अनलॉक कैसे काम करता है। डे लाइट में ये थोड़ा अच्छा काम करता है, लो लाइट में भी काम कर जाता है, लेकिन लाइट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये फ्रंट कैमरा के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रंट कैमरा में जितना अच्छा आपका फेस दिखाई देगा उतना ही अच्छा फेस अनलॉक भी काम करेगा, नहीं तो आपको पिन या पैटर्न से खोलने के लिए बोलेगा। बार बार यह दिखाया जाएगा कि प्लीज़ यूज़ पैटर्न और पिन टू अनलॉक योर फोन। तो लाइट जितना अच्छा होगा आपका फेस अनलॉक उतना ही अच्छा काम करेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा ना लगा डिसलाइक कर दीजिए, और कमेंट करना अगर आपको अच्छा लगा बुरा लगा कुछ भी लगा, और फिर कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक चीज़, मैं सेकंड जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि Redmi Note 5 Pro को फ्लैश सेल में कैसे आसानी से खरीद सकते हैं। तो कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।